नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मोदी 3.0 के कार्यकाल का आज पहला आम बजट पेश किया गया, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट पेश किया। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में गठबंधन की सरकार की झलक देखने को मिली, तो वहीं सरकार के इस बजट से सहयोगी दल काफी खुश नजर आए, खासकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। जी हाँ, वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और बिहार में कई परियोजनाओं के लिए करीब 59,000 करोड़ का बजट आवंटन किया है। वहीं सैलरीड क्लास की बात की जाए तो सरकार ने नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। इस तरह बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को बम्पर बेनिफिट मिला है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये राजनीतिक मजबूरी है या फिर तवज्जो, आइए जानते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठने लगी थी। एक एक जगह पर अभियान चलेगा, विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। अगर बिहार का उत्थान करना चाहते हो, अगर नहीं दोगे तो बिहार का उत्थान नहीं करना चाहते हो, अपना प्रचार करना चाहते हो, यही अब कैंपेन चलेगा। मोदी सरकार ने भले ही विशेष राज्य की मांग से इनकार कर दिया हो, लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खजाना खोल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है। बिहार के लिए कई अलग अलग घोषणाएं की गई हैं, तो आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का ऐलान किया। इस तरह बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को बम्पर बेनिफिट मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसी के तहत बिहार में गया को औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बल मिलेगा। गया का ये केंद्र प्राचीन सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्ट करेगा। ये मॉडल बहुत ही अच्छा होगा। इस मॉडल में विकास भी दिखेगा और विरासत की झलक भी होगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट में बिहार के सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इसे पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। वी विल सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल नोड एट गया। दिस कॉरिडोर विल कैटलाइज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न रीजन। द इंडस्ट्रियल नोड एट गया will also be a good model for developing our ancient centers of cultural importance into future centers of modern economy. This model shall showcase Vikas B, Virasat B in our growth trajectory. We will also support development of road connectivity projects, namely one, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, 2 बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, 3 बोधगया राजगीर वैशाली एंड दरभंगा स्पर्स, एंड 4 एडिशनल 2-lane ब्रिज ओवर रिवर गंगा एट बक्सर एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 26,000 करोड़ रुपीस। वही बिहार की तरह आंध्र प्रदेश के लिए भी मोदी सरकार ने सरकारी खजाना खोल दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के लिए बजट में ऐलान करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ और आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश के पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्दी पूरा किया जाएगा, साथ ही विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोपार्थी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा। जाहिर है मोदी सरकार ने भले ही आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा ना दिया हो, लेकिन दोनों ही राज्यों के विकास के लिए सरकारी खजाना खोलकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को साध कर रखने की कोशिश की है, क्योंकि इस बार बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे एनडीए की सरकार बनी है, इसलिए एनडीए में इन दोनों दलों की अहम भूमिका है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार को अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए जेडीयू और टीडीपी को अपने साथ बनाए रखना जरूरी है। मोदी सरकार और बीजेपी के लिए पहली बड़ी परीक्षा बजट था। दोनों नेताओं को बजट से खास उम्मीदें थी। ऐसे में मोदी सरकार ने उनकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरे उतरते हुए सरकारी खजाना खोल दिया है।
फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।